लगभग 5000 के करीब फेसबुक फ्रेंड्स बन चुके हैं। इसके अलावा करीब 1200-1300 लोग मुझे से भी ज़्यादा लोग मुझे फॉलो करते हैं। इंडिया के हाईवेज सिर्फ रोड ही नहीं है, ये अपने आप में एक कल्चर है। हर एक ट्रक की अपनी एक कहानी है। हाय, मैं हूँ कॉस्टी। वाव पॉडकास्ट के एक ब्रांड न्यू एपिसोड में आपका स्वागत है। हाईवे में कोई ट्रक हमें गबरू दिखता है तो कोई फिल्म के हीरोइन से कम नहीं। तो आज मैं आपको मिलाने वाला हूँ ट्रक आर्ट के बादशाह से, नफीस भाई से। तो चलिए मिलते हैं। नफीस भाई, कैसे हैं आप? मैं नफीस अहमद खान, मैं एक ट्रक आर्टिस्ट हूँ और मैं इंदौर शहर में ट्रक आर्ट का काम 33 साल से कर रहा हूँ। वाव पॉडकास्ट विद कॉस्टी। नफीस भाई, थैंक यू सो मच ऑल द वे राजस्थान से हमारे साथ जुड़ने के लिए। नफीस भाई, ट्रक आर्ट के बारे में कुछ बताइए ना। मैं ट्रक आर्ट को मुझे काम करते हुए करीब 33-33 साल हो चुके हैं और मेरे परिवार में बचपन में कैलीग्राफी का काम होता था। उर्दू और अरबी की किताबत यानी कि कैलीग्राफी का काम मेरे घर में होता था, तो मैं इस काम को मैंने सीखा अपनी माताजी से। उसके बाद मैंने इस काम को आगे बढ़ाते हुए मैंने इंदौर शहर में जाकर ट्रक आर्ट सीखा और उसके बाद मैं इस काम को करने लगा। थैंक यू सो मच नफीस भाई ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें देने के लिए। तो चलिए आपके कुछ फोटोज और वीडियोस देखते हैं। मेरे लगभग 5000 के करीब फेसबुक फ्रेंड्स बन चुके हैं। इसके अलावा करीब 1200-1300 लोग मुझे से भी ज़्यादा लोग मुझे फॉलो करते हैं। फेसबुक पे मेरी गाड़ियों के फ़ोटो जब से चलने लगे हैं, मुझे इससे बिजनेस में भी मेरे बढ़ावा हुआ है। महाराष्ट्र, यूपी, बिहार, गुजरात सभी दूर के ट्रक वाले मुझे जानने लगते हैं और किसी भी गैरेज में जब उनकी गाड़ी बनती है तो वो मेरी सिफारिश करते हैं कि वो मुझे उन पेंटर्स से हमारा काम किया जाए। आपके बचपन के बारे में कुछ बताइए ना। मेरा बचपन राजस्थान के झालावाड़ ज़िले में एक छोटे से गांव पिड़ावा में बीता और मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा भी वहीं प्राप्त की और मैंने बचपन से ही मुझे पेंटिंग का शौक़ था और कैलीग्राफी और पेंटिंग मैंने बचपन से ही सीखी। उसके बाद मैं आगे चलकर आगे पढ़ने के लिए और काम सीखने के लिए ट्रक आर्ट का मैं इंदौर शहर गया। मैंने वहाँ पर यह काम सीखा और मैंने वहाँ पर जाकर ड्राइंग पेंटिंग में MA किया और इस काम को मैं लगातार करने लगा। नफीस भाई, इतने सालों से आप काम कर रहे हैं और अलग अलग ट्रक में अलग अलग पेंटिंग्स हमें दिखने को मिलती हैं। नफीस भाई, ये सबका आइडिया कैसे आता है आपके पास? जैसा कि हर ट्रक अलग अलग क्षेत्रों से आते हैं, जैसे महाराष्ट्र के लोग वो उनकी अलग शौक हैं, यूपी के, उत्तर प्रदेश के, राजस्थान के और उड़ीसा के, बिहार के, सभी दूर के ट्रक हमारे पास आते हैं और सबकी सोच अलग अलग होती है। हर आदमी अलग चीज़ों को पसंद करता है और उसकी जो भावनाएं रहती हैं उसके अनुरूप हमको ट्रक पर पेंटिंग का काम करना पड़ता है। काफी बार रास्ते में हमें ट्रक्स में ना स्टिकर लगे हुए दिखते हैं, तो क्या आपको लगता है ये कैलीग्राफी आर्ट, इनका इंटरेस्ट लोगों से थोड़ा थोड़ा कम होते जा रहा है स्टिकर आने की वजह से? नहीं, ट्रक आर्ट में स्टिकर का एक अपना मुकाम है। आगे ट्रक के केबिन पर जो केबिन पर होता है वहाँ पे कुछ स्टिकर्स का काम होने लगा है, लेकिन ट्रक की बॉडी पर स्टिकर का काम अभी सक्सेस हुआ नहीं है और उसको इतनी महत्वपूर्ण मतलब जगह वो अपनी नहीं ले सकता। मतलब ट्रक आर्ट का आज भी अपना एक मुकाम है और स्टिकर का जो काम है वो एक सहायक के रूप में मतलब उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। पता है, जब मैं छोटा था तो हाईवेज में ट्रैवल करता था ना, तो मेरा सारा इंटरेस्ट सिर्फ इसमें रहता था कि ट्रक के पीछे क्या लिखा है। बड़े प्यारे प्यारे स्लोगन मुझे दिखते थे, जैसे हंस मत पगली प्यार हो जाएगा, माँ का आशीर्वाद। तो नफीस भाई, इसके पीछे क्या कहानी है, ये स्लोगन क्यों लिखवाते हैं लोग, कुछ बताइए ना इस बारे में। ये सभी ट्रक ड्राइवर्स का ही वो होता है और वो अपनी अपनी भावना, अपना उनका जो शौक रहता है, वो चीज़ें जो उनको पसंद है वही वो लोग लिखवाते हैं और हम उन्हें खुश करने के लिए वो जो चाहते हैं उसी के अनुरूप हम काम करते हैं। कुछ लोग अपनी पसंद के शेर शायरी मुझे बताते हैं तो मैं उनकी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए वो उनकी तरह से लिखता हूँ।
कुछ तस्वीरों के जरिए अपनी फीलिंग्स बताते हैं, तो मैं तस्वीरों के जरिए उस चीज़ को बनाता हूँ। नफीस भाई, एक ट्रक को बनाने में, मतलब उसका इंटीरियर से लेके पेंटिंग तक, केबिन स्पेस बनाने में कितना वक्त लग जाता है? एक ट्रक की कंप्लीट बॉडी तैयार करने में करीब 15 दिन लगते हैं, जिसमें से 10 दिन के करीब तो उसको बॉडी बनने में लग जाते हैं, बॉडी और केबिन तैयार होने में, और उसको 3 या 4 दिन कलर होने में लग जाते हैं, और मैं एक दिन में मैं उसकी राइटिंग और पेंटिंग जो होती है, ट्रक आर्ट का काम जो मैं करता हूँ, उसको करने में पूरा एक दिन लग जाता है। नफीस भाई, आपका कोई फेवरेट डिज़ाइन है जो आपने खुद बनाया है? एक डिज़ाइन मुझे बहुत अच्छा लगता है, वह है एक, मैंने एक बार रिटायर्ड एक फौजी थे उनके ट्रक पर यह बनाया था। उनकी इच्छा थी कि मैं देशभक्ति से परिपूर्ण कोई डिज़ाइन बनाऊं, तो मैंने एक किला और उसके ऊपर एक मोमबत्ती जलती हुई, उस पर 2 तिरंगे झंडे दोनों तरफ बनाए थे, और वो देशभक्ति से परिपूर्ण था, और मुझे भी वो बहुत पसंद था, और उसको पूरे हिंदुस्तान में बहुत पसंद किया गया, और उसको आज भी पूरे हिंदुस्तान में कॉपी किया जाता है, और विदेशों में भी इसको कई लोगों ने बहुत पसंद किया। नफीस भाई, ये ट्रक आर्ट क्या सिर्फ इंडिया में फेमस है या दूसरे देशों में भी देखा जाता है? ये ट्रक आर्ट का काम ज़्यादातर दक्षिण एशियाई देशों में ज़्यादा प्रचलित है, जिसमें श्रीलंका, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान वगैरह आते हैं, और लेकिन भारत और पाकिस्तान में ट्रक आर्ट का प्रचलन ज़्यादा है, और पाकिस्तान का ट्रक आर्ट भी अच्छा होता है, और इंडिया का ट्रक आर्ट भी बहुत अच्छा है, तो आज के दौर में भारतीय जो ट्रक आर्ट है वो काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, इंडिया के आर्टिस्ट बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और मुझे बहुत खुशी है कि वह ट्रक आर्ट को वो अच्छे से ऊंचे नया मुकाम देने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपसे कोई जुड़ना चाहता है तो वो कैसे जुड़ सकता है? वैसे मेरा फ़ोन नंबर मेरे फेसबुक प्रोफाइल में मैंने पब्लिक किया हुआ है, शो किया हुआ है, उससे मुझसे कोई भी फ़ोन पर कांटेक्ट कर सकता है। इसके अलावा मैं इंदौर शहर में बाईपास तेजाजी नगर नायता मुंडला बाईपास पर मैं काम करता हूँ, मेरा वहाँ पर वर्कशॉप है, वहाँ पर भी लोग मुझसे सीधे आकर संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू सो मच नफीस भाई, आपका वक्त हमें देने के लिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू। आप सब लोग फ्री टीवी को सब्सक्राइब कीजिए जरूर। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे बारिश हो रही है, और बारिश की नॉइज अगर रिकॉर्डिंग में आ जाए तो थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर द टाइम, एंड इफ यू लाइक द कंटेंट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।